जी इस वक्त हम टीजीआर टीम ग्रीन राइडर्स के चीफ जनाब फवाद खान यूसुफ जई भाई के घर पे मौजूद हैं और ये लाहौरी पाए का नाश्ता अमर मंजूर साहब हमें करवाने जा रहे हैं जनाब। तो अभी ये पाए का नाश्ता शुरू हो गया है, देखें ये मुरझाए हुए चेहरे कितनी हसरत ज्यादा आंखों से पायों की तरफ देख रहे हैं। तनवीर साहब को पाए पहुंच चुके हैं, तनवीर साहब के चेहरे पर रौनक आ चुकी है। अमीन हाशमी साहब इधर देखें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें दावत दी है। जी और हम खुद खाएंगे और आमिर साहब की ये जो काविश है जी कमी करेंगे। क्या बात है जी, क्या बात, बड़ी बात, आप वो कंधे में बस, क्या बात, हेलो यार, वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, एक चुकलो चुकला यार, एक ही गाल टक दे, मैं मदद कर ही आ नन दे थोड़ा जी। दावत इश्क चल रही है जी, क्या बात है, क्या बात है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप, उम्मीद हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मियां सजाद कैसर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टूरिस्टा। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं मालम जब्बा की। मालम जब्बा वादी सवाद का एक अहम पिकनिक पॉइंट है। ये सतह समंदर से तकरीबन 2804 मीटर यानी कि 9210 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। मंगोरा से इसका फासला 45 किलोमीटर है जबकि मंगलोर से इसका फासला तकरीबन 35 किलोमीटर है।
ये जी हमारे दोस्त शॉर्टकट से बर्फ के ऊपर से हाइक कर रहे हैं मालव जबा हिल टॉप पे जाने के लिए। हम भी ट्राई करते हैं जी इनके साथ साथ, अल्लाह खैर करे। इतनी ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं मालूम जबा कि रोड ब्लॉक हो गया, पार्किंग के लिए जगह खत्म हो गई है। वाओ क्या खूबसूरत नज़ारा है, मालूम जबा टॉप बर्फ से ढका हुआ और बादलों की आंख मचोली। बादलों को तो आना जाना है, सूरज की आंख मचोली देखें जी, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है जी। ये जी मालूम जब्बा पे ये शूज लगे हुए हैं, ये फॉर सेल हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। ये जो स्नो हाइक के लिए बर्फ़ के ऊपर घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं उनके लिए रेंट के ऊपर ये जूते दस्तियाब हैं। इसका किराया 100 रुपये ये चार्ज करते हैं और आपको एक घंटे के बाद ये जूते वापस करना होते हैं। ये हम चेयर लिफ्ट के लिए जा रहे हैं, ये स्कीइंग रिजॉर्ट जो बनाई गई है सैमसन वालों की तरफ से यहाँ पर उतरने के लिए ये लोहे की सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। ये जी हम इस राह पे पहुँच चुके हैं जी, अभी ये एक नए महाज का सामना है। तो बजा रही है। इतनी ढेरों ढेर आवाम जेलेट पे बैठने के लिए लाइन में लगी हुई है। चले हम भी बारी आजमाते हैं। जी पाकिस्तान टूरिस्टा के नाजरीन, मालूम जब्बा चेयर लिफ्ट पे हम बैठे हुए हैं जनाब और ये चेयर लिफ्ट हमें टॉप की तरफ लेके जा रही है। ये नीचे पड़ी हुई बर्फ और ये रैंप जहां पर स्कीइंग और स्केटिंग की जाती है उसका मंजर, और ये देखिए फैमिलीज और मंजिले बर्फ पर छुट्टी मनाते हुए।
जबरदस्त। और आज छुट्टी है, 5 फरवरी का दिन है और मालम जब्बा की स्कीइंग रिजॉर्ट के ऊपर तो जैसे मेला लगा हुआ है। ये यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है, स्केटिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वैसे ही मौसम को और इस माहौल को एंजॉय किया जा रहा है। हम भी इस माहौल का हिस्सा बनने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए मुरीदके से मालम जब्बा का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे जैसे बुलंदी पे जा रहे हैं, चारों तरफ के नज़ारे बुलंद और नुमायां होते जा रहे हैं। ये देखें जी, दूर दूर पहाड़। और मज़े की बात यह है कि दूर दूर नज़र आने वाली चोटियां भी उतनी ही बुलंद हैं जितनी कि ये मालम जब्बा की टॉप है, लेकिन वहां पर बर्फ मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मालम जब्बा टॉप के ऊपर यहां पर बर्फ मौजूद है। ये देखें जी, और ये जिप लाइन पर मंजिले ट्रेवल करते हुए, क्या बात है जी। नीचे बर्फ, ऊपर बादल और ऊपर सूरज आंख मचोली खेल रहा है। कभी बादलों की ओर छुप जाता है, कभी बाहर आ जाता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 300 रुपए का टिकट लिया है और पैदल टॉप की तरफ सफर कर रहे हैं। तहम थक हार के यहीं पर रुके हुए, यहीं पर इंजॉय करके और इसी पे इक्तफा करके शायद वापस जाने का सोच रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बैठे हुए हैं लोग। हेलो यार, अपनी डिग्गी फट रही यार। बाबा जी छड़े। ओके ओके, गुड हो गया, पता चल गया जनाब। ओ भाई, सिक्योरिटी यहां नीचे आप कर रही है। लोगों का जम्मे कफीर, जम्मे कसीर, मालम जब्बा टॉप।